हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी दोस्तों अपना जो रूम है इसकी सफाई हो रही है, तो यहाँ पर मैं पीसी को बंद कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और दोस्तों रूम में अभी यहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगा है, ये आप लोग जानते होंगे। इसकी वजह से दोस्तों धूल काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाती है ऊपर की साइड में यहाँ पर, और दोस्तों टेबल के नीचे इतनी धूल है कि भाई पूछो मत, टेबल के नीचे भी। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, फिर हम लोग दोस्तों अपनी जो सफाई है वो शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इतनी चीज़ें तो निकाल दी है। और अभी अपने पीसी को दोस्तों हम लोग अपने दूसरे रूम में रख देते हैं, फिर अपने रूम की सफाई करते हैं सही से। अभी दोस्तों अपना मेन पीसी तो बाहर जा चुका है, अभी यहाँ पर एक और मॉनिटर पड़ा हुआ है, इसे भी हमें बाहर रखना है। और यहाँ पर दोस्तों अपना जो नया माउस पैड है आप लोग देख लीजिए, ये दोस्तों प्लेयर रनआउट बैटल ग्राउंड वाला, जो कि काफ़ी ओपी वाला माउस पैड है, मुझे काफ़ी सही लगा इसलिए मैंने लिया है। आप लोग देख सकते हो कि कितना सही लग रहा है ये वाला माउस पैड, जिसमें दोस्तों कीबोर्ड और माउस दोनों ही आ जाते हैं। और अभी दोस्तों हमें इन सारी चीज़ों को यहाँ से ले जाना है, और टेबल को दोस्तों थोड़ा सा खिसकाना है साइड में, ताकि सफाई सही से हो पाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सफाई भी नहीं करी है। और दोस्तों हॉस्पिटल में बिजी था, क्योंकि मेरे पापा का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था पैर का, इसकी वजह से तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और काफ़ी दिनों से दोस्तों मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी, और फ्री फायर गेम में भी नहीं गया हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट डाल थे कि भाई आप फ्री फायर क्यों नहीं खेल रहे हो, तो यही रीजन था। तो चलिए अभी मैं ये सब कर लेता हूँ सही से, फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। अभी दोस्तों जो थोड़ा सा सफाई का काम काज है वो मैंने सुनील को भी दे दिया है, जो वायर कीबोर्ड और जो स्पीकर है उसे साफ करने का, क्योंकि अच्छे ही बैठा पड़ा था गेम खेलना था, मैंने सोचा कि इसको काम दे देते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। दोस्तों फाइनली अपने रूम की सफाई हो चुकी है, और मैंने दोस्तों अपना सेटअप की जो लोकेशन है वो चेंज कर दी है। आपको पता होगा कि पहले हमारा सेटअप यहाँ पर था, सामने की साइड में बेड के पास में था, और बेड पे अभी देखो सुनील लेटा पड़ा है। उससे भी हम लोगों ने बहुत काम करवाया, लेकिन वो करता नहीं है, लेकिन आज करवा लिया। इसके बाद दोस्तों आप लोग लोकेशन देखिए सेटअप की, ये रही बेड के सामने दोस्तों मैंने रखा है सेटअप, ताकि दोस्तों हमें कुछ देखना हो तो हम लोग बेड पे लेटे लेटे भी देख सकते हैं। और दोस्तों सेटअप को चेंज करने का एक और रीज़न था, अभी दोस्तों अपना जो ये रूम है इसका दरवाज़ा नहीं लगा है, तो दोस्तों सुबह सुबह सामने से दोस्तों सूरज उगता है, तो उसकी जो रोशनी वो सीधी रूम के अंदर पड़ती है, और जिसके कारण दोस्तों सेटअप इधर था, तो जब मैं कुछ काम करता रहता हूँ पीसी में, तो पीसी में दोस्तों रोशनी पड़ने के कारण सही से अलग सी टाइप का दिखता है, जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि सेटअप ही चेंज कर लेते हैं। आज दोस्तों पूरे रूम की साफ़ सफाई भी की, टेबल को सही से साफ़ किया, अंदर से चीज़ें जो भी थी उसे निकाल के साफ किया, तो आज अपना जो पूरा काम है वो सही से हो चुका है। और अभी दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को पंखे की आवाज़ आ रही हो, तो माफ़ कर देना। और दोस्तों मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी से ये ब्लॉग दे पाऊँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कब कब चाहिए, रेगुलर चाहिए या एक दो तीन के दिन के बाद, बता देना कमेंट करके। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।